नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों का जुलाई 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कि तृतीय होकर लग्न भाव में विराजमान है, तो पराक्रम काफ़ी अच्छा बना हुआ है और जो भी काम आप करेंगे उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरे भाव में शुक्र सूर्य और राहु विराजमान है तो धन की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, यानी कि धन में अचानक से इजाफा भी हो सकता है और फिर वापस वो धन खर्च भी हो सकता है। इसलिए जो भी करें बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए बहुत ही सोच समझ के पैसे को सही जगह पर लगाएं। तीसरे भाव में मंगल और बुध विराजमान है तो पंचमेश और सप्तमेश का तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण पत्नी को आप किसी बात को लेकर जोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा आप जोर करेंगे तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश तीसरे भाव में नीच के विराजमान है। उनके तबीयत का ख्याल आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थेश दूसरे घर में विराजमान होने के कारण घर में कोई ऐसा नया प्रोग्राम या फिर नया कोई ऐसा प्लानिंग चल रहा है जिसमें सारे लोग एकमत नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से वो प्लान हर बार पोस्टपोन्ड होता आ रहा है और इस महीने भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर सही डिसीज़न लेना है तो सबका एकमत होना ज़रूरी है, बैठ के आराम से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पांचवें घर में कोई ग्रह नहीं है, पंचमेश तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण दिमाग तो आपका काफ़ी दुरुस्त रहेगा, हर काम में फोकस रहेंगे, स्पेशली विद्यार्थीगण अपना फोकस अपने काम पर लगा पाएंगे, लेकिन किसी भी तरह के प्रेम प्रसंगों से बचें, उससे आपकी पढ़ाई खराब हो सकती है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश शुक्र जो है वो दूसरे घर में विराजमान होने के कारण मेडिकल एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर पैसा निकल सकता है, कुछ सेविंग्स आपका खाली हो सकता है। शत्रुओं से सावधान रहिए, उनके चक्करों में भी आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। सप्तम भाव में गुरु विराजमान है तो ऐसी स्थिति में पत्नी का जो दबाव है वो थोड़ा सा धीमा रहेगा, लेकिन उनकी तबीयत को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वक्री होने के कारण उनकी तबीयत में फ्लक्चुएशन रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। अष्टम भाव में शनि और केतु विराजमान होने के कारण जो कि नवमेश और दशमेश भी हैं, तो कामकाज की जगह पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। हालांकि गुप्त शत्रु आपका विशेष कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन सावधान रहना ज़रूरी है। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण भाग्य भाव में थोड़ा सा स्लो स्थिति बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, हर काम को धीर स्थिर से करें। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशमेश अष्टम में विराजमान है तो जैसा कि मैंने कहा कि काम का प्रेशर बढ़ने पर भी आप अपना काम बिल्कुल दिमाग को कूल रख के करें, कोई भी काम तैश में आके करेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेश गुरु जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है तो पत्नी से कुछ ना कुछ आपको लाभ हो सकता है, स्पेशली पत्नी के घर वाले यानी आपके ससुराल वालों से आपको विशेष रूप से कोई लाभ हो सकता है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश मंगल जो है वो नीच के तीसरे भाव में विराजमान है तो वैसे तो खर्चा बहुत कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी खर्चा होगा वो फालतू के एक्सपेंसेस में जा सकता है यानी वेस्ट हो सकता है, स्पेशली शत्रुओं के पीछे और आपके रोग या बीमारी के पीछे। ओवरऑल ये महीना तबीयत का ख्याल अच्छे से रखना है और आपकी पत्नी का भी या अपने लाइफ पार्टनर का भी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों का जुलाई 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।